हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग बताएंगे। ये नॉर्मल अफ़गानी सलवार नहीं है, पैंट स्टाइल में हम किस तरीके से अफ़गानी सलवार सिलते हैं उसकी स्टिचिंग आपको बताएंगे। अगर आपने इसकी कटिंग वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे एक बार ज़रूर देख लें, तो उससे आपको आसानी होगी इसकी स्टिचिंग सीखने में। तो सबसे पहले तो देखिए, हमने इस तरीके के एक कपड़े के ऊपर जो पेपर पेस्टिंग हो या आपके पास या बुकरम हो, टैटर्न हो, उसको चिपका लेंगे और एक उसी के साइज़ का हमने इलास्टिक लिया है। अब उसके बाद देखिए, हमारा जो ये अफ़गानी है इसको हम सिलेंगे। तो इसको किस तरीके से सिलना है कि जो हमारा जो सिलाई है आसन वाली वो गुम हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ये इसको इस तरीके से रखना है ओपन करके, और जैसे हमने इसको कट किया था हमने किसी भी पल्ले को इधर उधर नहीं किया है, सेम उसके ऊपर रख कर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, ये हमारा इस तरीके से गुम हो जाएगा। पहले वाले पल्ले को हम इस तरीके से दूसरी तरफ पलट देंगे, तो दोनों साइड से देखिए हमारा मार्जिन अंदर की तरफ ही रह गया है। इससे हमारी इंटरलॉक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और सिलाई हमारी फिनिशिंग से लगेगी। अब इसके बाद जो हमने प्लेट्स के निशान डाले थे उनके ऊपर इस तरीके से प्लेट डाल देंगे। दोनों तरफ हम इसी तरीके से एक या सवा इंच की प्लेट डाल देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो बैक वाला हिस्सा था उसको भी सेम इसी तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। देखिए, सेम इसी तरीके से जो हमारा मेन फैब्रिक है वो नीचे की तरफ है दोनों हिस्से, और जो दोनों इनर वाले हिस्से हैं वो ऊपर की तरफ हमने रखे हुए हैं। अब इसके बाद इसको भी हम इस तरीके से पलट देंगे, तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा ये मार्जिन अंदर की तरफ सेट हो गया है। अब जो ये साइड वाला हिस्सा है इसके ऊपर हम एक साइड पॉकेट लगाएंगे, तो पॉकेट हमें किस तरीके से लगानी है वो भी आप देखिए। पॉकेट का एक हिस्सा हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अब ऊपर की तरफ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। अब इसके बाद जितना हमें ओपन रखना है उतना रखें, हम 5.5 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं, वो आपने जो आपका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग है। हेल्दी है तो हम 6 इंच रखेंगे, अगर नॉर्मल साइज़ है तो हम 5.5 भी रखेंगे। इस तरीके से इसमें कट लगाएंगे, पलट देंगे। अब इसके बाद हम इस पर ये थार स्टिच लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो दूसरे वाला हिस्सा है पॉकेट का वो लेंगे और इसके नीचे की तरफ हमें इसे रखना है इस तरीके से, और हम ये सिलाई लगा देंगे। पूरी पॉकेट पर हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सेट कर लेंगे। कॉर्नर को अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेंगे और इनके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी पॉकेट इधर उधर ना फिसले। तो ये हमने ऊपर नीचे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो बेल्ट लगाई थी जिसके ऊपर हमने पेस्टिंग चिपका रखी है वो हिस्सा लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बाहर निकाल के ही इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर पूरी आगे की साइड सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई भी हमें ध्यान से लगानी है, जो ये सिलाई लगाएंगे जो बुकरम के ऊपर हमारी बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर की तरफ लगनी चाहिए, सिलाई हमारी ऊपर की तरफ नहीं देखनी चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बैक वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर भी हम जो बैक वाली जो पट्टी है एक वो लगाएंगे। सिंगल फुट जितना मार्जिन ही रखकर हम ये सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए, ऊपर वाले जो हिस्सा है आगे वाला उसको इस तरीके से रखेंगे, मार्जिन जो सिलाई वाला है वो मिलाएंगे, सिलाई दोनों सिलाई आपस में मिलाएंगे, इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरे पे हमें सीधी सिलाई लगानी है। पहले हम ऊपर की तरफ लगा लेते हैं, उसके बाद हम नीचे की तरफ लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे, सिलाई जो है दोनों मिलाएंगे और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये जो आपको अगर ये तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो दूसरा तरीका भी हमने दूसरी जो पैंट की स्टिचिंग है उसमें बताया हुआ है। आप दोनों तरीके ही ठीक हैं, आपको जो अच्छा लगे वो अपना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इलास्टिक है उसको इस तरीके से अंदर की तरफ करके दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इलास्टिक के पास पास सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से बराबर में कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर की हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी लेंथ नापेंगे, तो जितनी हमारी लेंथ है उतनी पर हम एक निशान लगाएंगे। तो हमें ये 33 इंच तैयार करनी है, तो ये हमारी ये 32 ही है।
अब इसके बाद ये सूट का जो कपड़ा है ये हम मोहरी में लगाएंगे नीचे की तरफ, तो उस पर हमने पेपर पेस्टिंग चिपका ली थी। अब हम इनमें नीचे की तरफ देखिए इस तरीके से बॉक्स प्लेट डालेंगे, वो वाला डिज़ाइन बनाएंगे, जो सिंपल प्लेट डलती है वो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये मोहरी कंप्लीट होगी। 3 बॉक्स प्लेट हमने ये डाली हैं इसमें इस तरीके से, एक एक इंच की। बस इसके बाद हम ये साइड वाली जो सिलाई है वो लगा देंगे। तो आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।